नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज के इस सेशन में मैं आपको ट्रिगो की वो प्रॉपर्टीज कराने जा रहा हूं जो मैंने पिछले दो साल के लगभग 500 से 1000 क्वेश्चन के बीच लगभग मैंने क्वेश्चन देखे और मैंने एनालाइज किया कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किन प्रॉपर्टीज पे पूछे जा रहे हैं। तो आज मैं आपके सामने वही प्रॉपर्टीज रखने जा रहा हूं और लास्ट में ऐसी प्रॉपर्टी रखी जाएगी जिस पे बेस मैं 2-3 क्वेश्चन भी लूंगा जो बच्चे बेसिक इस तरीके से नहीं पढ़ते उनके लिए खास। बेसिक पर है पर उस नजरिए से 1% लोग पढ़ते हैं, वो प्रॉपर्टी सबसे लास्ट में और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहली प्रॉपर्टी से। पहली प्रॉपर्टी है मेरे सामने ये sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा sec स्क्वायर cosec स्क्वायर के। ये कॉमन प्रॉपर्टीज नहीं है, यानी ये किताब में बहुत कम जगह मिलेगी पर ये फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होने वाली प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी कि कभी भी अगर ये एडिशन में हो तो ये गुणा में आ जाता है, ठीक है। जब भी ये एडिशन में होगा ये गुणा में आ जाएगा, याद रखने वाली प्रॉपर्टी है। देखिए आज बहुत सारी प्रॉपर्टी ऐसे लिखेंगे हम जो आपको याद रखनी है, जिनके रिजल्ट डायरेक्ट इस्तेमाल होते हैं। अगला देखते हैं। अब देखिए आप सब ने ना ये पढ़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और ये दुनिया पढ़ती है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटा, अब साइन थीटा को मैं कैसे लिख सकता हूं, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा मैंने यहां लिख दिया और ये साइन थीटा यहां आ गया। ये प्रॉपर्टी बहुत कम लोगों को पता होती है क्योंकि बेसिक वो इस तरीके से नहीं पढ़ते हैं। ये बेसिक प्रॉपर्टी है आपके सामने, ठीक है। इसे आप कभी भी क्रॉस करोगे तो आइडेंटिटी बन जाएगी, ये ध्यान रखना है। क्रॉस करने पर आइडेंटिटी, ठीक है। और ध्यान से देखिएगा बात को, बहुत ध्यान से देखना है आपको यहां पर बात को। अगर मैं इसको देखूं 1 माइनस कॉस बटा साइन, ठीक है, 1 माइनस कॉस बटा साइन, और एक प्रॉपर्टी और बनती है यहां पर ये वाली भी, ये भी ध्यान रखिए। इसके साथ साथ ये भी होता है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कॉस यहां आ जाता है, कॉस यहां चला जाता है, 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा, ये भी बेसिक पर है। फिर से वही क्रॉस करेंगे आप तो आइडेंटिटी वही बन जाएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये सेकेंड प्रॉपर्टी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगली प्रॉपर्टी पे अगर मैं आता हूं, अगली प्रॉपर्टी है मेरे पास यही, अच्छा ये आ गई 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ये अभी अभी हमने पढ़ा है ना पीछे, किसके बराबर होगा साइन थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा, क्रॉस करके आइडेंटिटी बन जाएगी। साथ के साथ ये बराबर होगा 1 बटा साइन, इस तरीके से याद रखिए, कॉसेक थीटा प्लस कॉस बटा साइन कॉट थीटा। यानी अब आप देखिए कॉसेक प्लस कॉट का फॉर्मूला ये तो आपको देखने से पता लग जाता है पर ये देखने से नहीं पता लगता, तो ये भी कहीं ना कहीं कॉसेक प्लस कॉट है। तो ये देखने से डायरेक्ट नहीं पता लग रहा कि ये कॉसेक प्लस कॉट है, ठीक है, पर ये कॉसेक प्लस कॉट है। यहां पर मैंने आपको बताया क्रॉस करने पर आइडेंटिटी बन जाएगी, ठीक है। साथ के साथ इसे देखते हैं तो कॉसेक प्लस कॉट वो वहां पर आ गया, तो ये इसके बराबर है तो इसके भी बराबर होगा। अगली प्रॉपर्टी इसी तरीके से sec और tan की बन जाती है, ध्यान से देखिए 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यहां क्या था
वन प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा, यहाँ क्या है वन प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो ये आ गया कॉस थीटा बटा वन माइनस साइन थीटा, और ये बराबर हो जाता है किसके, सेक प्लस टेन के। ठीक है, ये सेक प्लस टेन के बराबर हो गया। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे अगर मैं आता हूँ जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, ये सारी वो प्रॉपर्टी हैं जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही हैं, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर वन अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली प्रॉपर्टी, बराबर सेक थीटा कॉसेक थीटा बराबर टू अपॉन साइन टू थीटा। केवल वही प्रॉपर्टी मैं ले रहा हूँ जो कॉमन नहीं है और जो कई सारी रिजल्ट के रूप में बाहर आई है, ठीक है, और जो फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होती रहती हैं। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी है मेरे पास ये, साइन फोर थीटा प्लस कॉस फोर थीटा बराबर वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। याद रखने वाली प्रॉपर्टी है ये भी, इसी में सिक्स वाला बन जाता है, साइन सिक्स थीटा प्लस कॉस सिक्स थीटा बराबर वन माइनस थ्री साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। हमने तो इस तरीके से ध्यान रखा था, जब छः आ रहा है तो तीन आ जाता है, चार आ रहा है तो दो आ जाता है, हमने इस तरीके से ध्यान रखा था। ठीक है, तो बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है फ्रीक्वेंटली। देखिए मैं यहाँ पर ऐसे नहीं कि 40-50 प्रॉपर्टी कराने वाला हूँ, गिनती की 10-12 प्रॉपर्टी मैंने जो एनालाइज करी जिन पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं वो मैं यहाँ पर कराने वाला हूँ, लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट, और उस पर भी हम कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे। अगला देखिए, अगला है ये टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन बटा टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन, इसी में एक ये भी बन जाती है वन प्लस कॉसेक माइनस कॉट, सीधा क्वेश्चन आता है इन पे वन माइनस कॉसेक प्लस कॉट। ठीक है, अब ये किसके बराबर होगा, इधर लिख देता हूं, जो कॉमन आएगा वही आंसर। ठीक है, इसे मैं भी इस तरीके से याद रखता हूं, जैसे कि यहां देखिए वन को मैं क्या लिख सकता हूं, sec स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। अगर मैंने आपसे बोला एक sec स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर है और एक ये है, तो कॉमन क्या आएगा, sec प्लस टेन कॉमन आएगा दोनों में, तो इसका आंसर sec प्लस टेन हो जाएगा। ऐसी मैंने इधर बोला आपसे, इसमें cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर लिख दिया मैंने इसे, मैंने आपसे बोला कॉमन क्या आएगा, cosec माइनस cot कॉमन आ रहा है दोनों में। ठीक है, cosec माइनस cot, तो cosec माइनस cot नीचे प्लस होगा मेरे ख्याल से, cosec माइनस cot cosec प्लस cot, बिल्कुल ये वन ही होगा, cosec माइनस cot, ये आंसर हो जाएगा मेरा। ठीक है, क्योंकि cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर इसे लिखेंगे, एक बार माइनस वाला एक बार प्लस वाला, माइनस वाला कॉमन लेंगे, प्लस वाला बचेगा और प्लस वन बचेगा, तो प्लस वाला और प्लस वन ये रहा और कट जाएगा, आंसर आ जाएगा, जो कॉमन होगा वो आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है आपके सामने एट प्रॉपर्टी, टू साइन थीटा, मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि इस पर डायरेक्ट ही क्वेश्चन बन रहा है, यही पूछ लिया जाता है ये किसके बराबर है, इसलिए इस प्रॉपर्टी को याद ही करके जाएं। ठीक है,
वन माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटा वन प्लस साइन थीटा, ठीक है। ये याद रखने वाली प्रॉपर्टी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर जब उठाएंगे ना बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे इस प्रॉपर्टी पे, अन्यथा ये बड़े बड़े क्वेश्चन है, फिर पूरे पूरे बनाने पड़ेंगे। आगे देखते हैं 9th प्रॉपर्टी, नाइन्थ प्रॉपर्टी है मेरे सामने साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। ये बराबर हो जाती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूले की तरह, इसे याद रखो, मैंने ऐसे ही याद रखा हुआ है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ठीक है। इस प्रॉपर्टी पे बहुत क्वेश्चन आए हैं। अगला देखिए, दसवीं प्रॉपर्टी है मेरे सामने, ये सब हो गया, एक प्रॉपर्टी और बची है, वो है ये, आइए देख लेते हैं। साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा, इस प्रॉपर्टी पे भी बहुत क्वेश्चन आए हैं, बराबर ए है, ठीक है। कॉस अल्फा प्लस साइन बीटा बराबर बी है, तो ध्यान रखना ऐसी दो इक्वेशन दे रखी है, तो स्क्वायरिंग और एडिंग, स्क्वायर करोगे वन, स्क्वायर करोगे वन यानी टू हो जाता है, प्लस टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाता है। तो हम बोलते हैं दो प्लस दो साइन अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये वो 10 प्रॉपर्टी हैं जिन पे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए इसमें तो आपको याद नहीं करना कि ये आएगा, इसमें ये ध्यान रखना है कि साइन कॉस की दो इक्वेशन है, तो स्क्वायरिंग एडिंग पे क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, इसमें आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद ध्यान से देखिए, इसके अंदर ये तो याद ही रखनी है, ये भी आपको याद ही रखनी है, ये मैंने बताया, इसमें ये ध्यान रखना है कि जो कॉमन आएगा वो आंसर है, इसे मैंने याद करने का तरीका आपको बताया है, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये तो लगभग हर क्वेश्चन में ही आ रही है ऐसा लग रहा है, ठीक है। फिर मैंने आपको ये बताया, ये डायरेक्ट पता होना चाहिए, ये बताया डायरेक्ट पता होना चाहिए, इसको बताया कि इसमें दो फॉर्मूले निकल के आते हैं, एक ही एक ही, और फिर पहले वाला बताया जो बहुत जगह इस्तेमाल होता है। अब मैं आता हूँ अपनी लास्ट प्रॉपर्टी पे, जिस पे बेस हम क्वेश्चन भी करने वाले हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिए। साइन थीटा इंटू सेक थीटा टेन थीटा होता है, साथ के साथ टेन थीटा सेक बटा कॉसेक भी होता है। मैंने आम फॉर्मूला लिखा ही नहीं कि टेन थीटा बराबर साइन बटा कॉस, वो किताबों में मुझे वो समझाना भी नहीं है आपको, वो आप पढ़ते ही हैं, ठीक है। साथ के साथ यही अगर कॉट की बात करें तो कॉट में कॉ की आवाज आ रही है, तो को की आवाज से कॉस आ गया और कॉ की आवाज से कॉसेक आ गया, ठीक है। और सेम चीज यहां पर हो जाएगी, कॉट थीटा बराबर कॉसेक थीटा ऊपर आएगा, नीचे सेक थीटा आ जाएगा। मैं इसे ऐसे ही ध्यान रखता हूं, को, ठीक है। और जब को की आवाज आ रही है कॉट थीटा, तो कॉसेक ऊपर, अब कोट में कोसेक आएगा तो टेन में सेक ही आएगा, सिंपल सी बात है, सेक और कोसेक का ही तो तुलना हो रहा है यहां पर, साइन एस से और साइन एस से ही सेक, तो साइन इंटू सेक टेन हो जाता है, ठीक है। अब मैं इन पे बेस क्वेश्चन करने वाला हूं, ये मॉडिफिकेशन है बेसिक में, ठीक है, इस पे बेस एग्जामिनर क्वेश्चन दे रहा है, ऐसा तो है नहीं कि सीधा क्वेश्चन डालेगा, बीच बीच में उठा के दे रहा है, प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन आ रहा है। जैसे कि पहला क्वेश्चन देखते हैं यहां पर, ठीक है, कॉट क्यूब बटा कॉसेक स्क्वायर टेन क्यूब सेक स्क्वायर टू साइन थीटा कॉस थीटा, अभी का क्वेश्चन है, हमने अभी अभी पढ़ा था, कॉट बराबर होता है किसके, कॉस इंटू कॉसेक के, पढ़ा था ना,
तो कॉट के नीचे अगर कॉसेक आ जाएगा तो बचेगा कॉस, तो कॉट के नीचे अगर कॉसेक आ गया तो बचा कॉस, कॉस स्क्वायर, साथ में एक कॉट बच गया कॉस बटा साइन। ये देखिए मैंने सीधा लिख दिया, क्योंकि मेरे को जानकारी है इसलिए मैंने सीधा लिख दिया, अन्यथा आप पूरा लिखेंगे इसे और फिर सॉल्व करेंगे। ऐसे मैं आगे बढ़ता हूं, टेन को मैंने क्या लिखा था, साइन इंटू सेक, तो टेन के नीचे अगर सेक आ जाएगा तो साइन मिलेगा, टेन के नीचे सेक आ गया तो साइन मिलेगा दो बार, और एक बार टेन ही मिलेगा यानी साइन बटा कॉस, ठीक है। प्लस आगे क्या आ गया, टू साइन कॉस। अब देखिए अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो साइन कॉस नीचे आ गया, कॉस की पावर फोर प्लस साइन की पावर फोर प्लस साइन कॉस से यहां गुणा करूंगा टू साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। अब मेरे को ऊपर वाला कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी वन, नीचे साइन कॉस, तो यानी कॉसेक और सेक ये मेरा आंसर हो जाएगा। कॉसेक और सेक कहां पर आ रहा है, ए ऑप्शन में आ रहा है, आंसर हो गया, ठीक है, ए ऑप्शन हमारा आंसर आ गया। अब मेन बात है कि ये जितना जल्दी मैंने प्रिडिक्ट कर लिया, क्या आप उतना जल्दी प्रिडिक्ट कर पाते हैं? इस पे और भी क्वेश्चन आए हैं, ये दिखाते हैं, पहले ये देखिए क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अब आने को आंसर बहुत जल्दी भी आ जाएगा, नहीं आने को बहुत समय भी ले सकता है। अब अभी अभी मैंने आपको बताया, देखो ये वैल्यू दे रखी है टेन की, कॉट की वैल्यू में को आएगा, कोसेक ऊपर आएगा, टेन की वैल्यू में सेक ऊपर आएगा, तो टेन बराबर होगा किसके, सेक बटा कोसेक के। अब सेक बटा कोसेक यानी अगर कोसेक स्क्वायर से आप भाग कर दें तो वन प्लस टेन स्क्वायर, वन माइनस टेन स्क्वायर, तो वन प्लस टेन स्क्वायर यानी पांच, वन माइनस टेन स्क्वायर यानी पांच, तो ये आ गया छह बटा माइनस चार यानी माइनस तीन बटा दो, बी ऑप्शन आंसर आ गया, ठीक है। सेकेंडों में आंसर आएगा, लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैंने याद ही इस तरीके से आपको कराए हैं। कॉट का मतलब को की आवाज के साथ कोसेक आता है और को की आवाज के साथ कोसेक इंटू कॉस आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल हो लेते हैं, ये लास्ट एग्जाम्पल, बिल्कुल लास्ट एग्जाम्पल है। अब यहां देखिए, अब एक बच्चा है पूरी पूरी वैल्यू डाल रहा है क्योंकि उसने सीखा ही नहीं है वैसा, ठीक है। हमने पढ़ा कि टेन बराबर होता है किसके, साइन इंटू सेक के, तो टेन बटा साइन किसके बराबर हो गया, सेक स्क्वायर के बराबर हो गया, सेक स्क्वायर तीस, सेक स्क्वायर तीस क्या होता है, चार बटा तीन होता है, मैंने सीधा लिख दिया चार बटा तीन। अब आगे देखिए, कॉसेक स्क्वायर बटा कॉट स्क्वायर। अब मैंने आपको पढ़ाया कि भाई जो कॉट होता है वो क्या होता है, कॉट बराबर होता है कॉसेक बटा सेक, और कॉट को अगर नीचे ले आओगे कॉसेक के तो सेक मिलेगा, सेक स्क्वायर पैंतालीस, सेक स्क्वायर पैंतालीस का मतलब हो गया दो, दो मैंने यहां लिख दिया, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, ये सेक ऊपर है कॉसेक नीचे, सीधे ही आंसर आना चाहिए टेन, सीधा क्यों आना चाहिए, क्योंकि भाई कॉट तो नहीं हो सकता क्योंकि कॉट में को ऊपर आता है, तो सेक बटा कोसेक है तो टेन होगा, और टेन सिक्सटी होता है रूट थ्री, रूट थ्री का स्क्वायर हो गया तीन, तो ये आ गया आपका चार बटा तीन माइनस एक, एक बटा तीन आ गया, ये तो कुछ गड़बड़ आ गया, ठीक है। एक बार दोबारा से चेक कर लेते हैं, दोबारा से देख लेते हैं कौन सी वैल्यू हमारी गड़बड़ आई है, टेन स्क्वायर तीस, साइन स्क्वायर तीस, ठीक है। टेन बटा साइन हमने किया, अभी किया था ना, टेन बटा साइन, टेन बराबर हो गया साइन इंटू सेक, तो सेक तीस हो गया, सेक तीस क्या होता है, दो बटा रूट तीन होता है, ठीक है, उसका स्क्वायर करेंगे तो चार बटा तीन ही आएगा, कॉसेक स्क्वायर बटा कॉट स्क्वायर, ठीक है। अगर आप देखें तो ये भी दो ही आएगा, इसको देखें सेक स्क्वायर बटा कॉसेक स्क्वायर, तो ये भी टेन स्क्वायर सिक्सटी ही आएगा, ऑप्शन ही गलत है मेरे ख्याल से, ठीक है, क्योंकि सेक स्क्वायर सिक्सटी वन बाय फोर, फोर बाय रूट थ्री, फोर फोर थ्री सही है यार, ऑप्शन रॉन्ग है मे बी इसके, ठीक है, ऑप्शन मे बी रॉन्ग हो, पर जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया वो इस तरीके से ही आपको ध्यान रखना है। बार बार बोल रहा हूं, कॉट मतलब कॉसेक बटा सेक, ठीक है, और कॉस इंटू कॉसेक कॉट,
इसी चीज को बार बार पढ़ेंगे ना अपने आप ही याद हो जाएगा। ये मॉडिफिकेशन बताया है आपको, बेसिक में कोई इस तरीके से पढ़ता ही नहीं है। साइन बाय कॉस, कॉस बाय साइन, इससे आगे कोई बढ़ ही नहीं पा रहा, ठीक है। पर एग्जामिनर लगातार क्वेश्चन इसके ऊपर दे रहा है। तो उम्मीद करते हैं आज की ये क्लास प्रॉपर्टीज की आपको बहुत बढ़िया लगी हो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पर डिस्कस करी है, ठीक है। इन प्रॉपर्टीज पे आ रहे हैं सबसे ज्यादा क्वेश्चन। जब इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात आती है ना, ट्रिग्नोमेट्री वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट है। इसमें ये बहुत मैटर करता है कि आप पढ़े किस तरीके से हैं, आपने बेसिक किस तरीके से किया है, साथ के साथ आपने बेसिक के अंदर मॉडिफिकेशन किया है नहीं किया क्या, या फिर आप भी वही जो नाइन्थ क्लास में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वन पढ़ते थे और वहीं तक ही सीमित हैं। ये बहुत ज़रूरी है। साथ के साथ ये भी ज़रूरी है कि आपने जो पढ़ा है उसका एग्जीक्यूशन आप कितनी जल्दी कर पाते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको ये प्रॉपर्टीज बताई, प्रॉपर्टी इसलिए ही बताई गई है कि आपका एग्जीक्यूशन जो है वो जल्दी हो। लास्ट वाली प्रॉपर्टी देखिए, ये इस वाले क्वेश्चन में ऑप्शन मैच नहीं हुआ, ठीक है। ऑप्शन हमारा भले ही मैच नहीं हुआ, परंतु एक चीज है, वो क्या कि भाई अगर मैं इसे इस तरीके से करता हूं और अगर मैं एक एक वैल्यू डालता हूं तो कम से कम 20 सेकेंड का फर्क आने वाला है आंसर में, कम से कम 20 सेकेंड का, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। दिल से लाइक करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा प्रॉपर्टीज की क्लास कैसी लगी। जय हिंद।